हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो फरहान यूट्यूब चैनल। तो आमिर भाई, आज हम बात करने वाले मोटरोला एज 30 नियो की कंफर्म स्पेसिफिकेशन, इंडियन लॉन्च डेट, इंडियन प्राइस, सारा सब कुछ बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार, हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 20 लाइक्स का। आई होप आप सब कर दोगे। तो चलते हैं मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस फोन का डिस्प्ले। डिस्प्ले निकल के आया 6.2 इंचेस का POLED डिस्प्ले। मेरे भाइयों, POLED डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है। AMOLED डिस्प्ले है, प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। POLED मतलब AMOLED से भी थोड़ा सा और अच्छी डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है। और अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें, वो यहाँ पे निकल के आता है इस फोन का बैटरी। बैटरी निकल के आया 4020 का mAh का, प्लस 68 वॉट का एडाप्टर है। हाँ, बैटरी भी अच्छी है, एडाप्टर भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है मेरे भाइयों। और अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें, वो यहाँ पे निकल के आता है इस फोन का कैमरा सेटअप। 64 MP का मेन है, 13 MP अल्ट्रा वाइड लेंस आपको देखने के लिए मिलता है। डुअल कैमरा है मेरे भाइयों। फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करूँ, 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है। तो कैमरा सेटअप अच्छा है मेरे भाइयों। और अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें, वो यहाँ पे निकल के आता है इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है मेरे भाई। हाँ, ऑब्वियसली AMOLED डिस्प्ले, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिलता है। अब अगर मैं इस फोन के प्रोसेसर की बात करूँ, स्नैपड्रैगन 695 वाला 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। हाँ, बैटरी एफिशिएंट है प्रोसेसर। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। तो हाँ, ऑल ओवर ये फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त है मेरे भाइयों। और आपको इस फ़ोन के अंदर 4 कलर देखने के लिए मिलते हैं, ब्लैक, ब्लू, वाइट, ग्रीन। हाँ, 4 कलर्स के साथ में ये इंडिया के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर मैं इस फ़ोन के लॉन्च डेट की बात करूँ, 13 सितंबर को ये इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, अब ये ग्लोबल जा चुका है मेरे भाइयों, यूरोपियन कंट्री के अंदर ये लॉन्च हो चुका है। इसकी प्राइसिंग भी निकल के आ चुकी है मेरे भाइयों। हाँ, ये प्राइसिंग इंडियन नहीं है, बट इससे मिलता जुलता ही रहेगा मेरे भाइयों। 36,999 रुपये से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग प्राइस। ये यूरोपियन प्राइस है मेरे भाइयों। ये फ़ोन आपको कैसा लग रहा है? अगर ये इतनी ही प्राइस पे आता है, क्या आप इसे परचेस करोगे? प्लीज़ कॉमेंट में बताना। ये फ़ोन जब लॉन्च हो जाएगा मेरे भाइयों इंडिया के अंदर, तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको कौन सी फ़ोन लेनी है। तो हाँ, आपको ये फ़ोन अभी कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बताना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।